हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रितिका दुआ, डाइटिशियन एंड आयुर्वेदा सिंस 18 ईयर्स इन मॉडल टाउन। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है एप्पल का जैम। यह से पूरा न्यूट्रिशंस है, वेट लॉस करेगा, साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशंस देगा, आपके लिए हेल्दी है। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको पता ही है मैं जो भी रेसिपी है बताती हूँ बच्चों को साथ में लेके चलती हूँ ताकि बच्चे भी इसको फॉलो कर सकें और अच्छे से उनको भी न्यूट्रिशंस मिल सके, क्योंकि अपने लिए इंडिविजुअल चीज़ें बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब बच्चे खा रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मेरी जो भी रेसिपीज होती हैं बच्चे बूढ़े और सब लोग पूरे होल फैमिली उसको इंजॉय कर सकती है। तो पहले तो मैं आपको एप्पल के बेनिफिट्स बताऊंगी कि एप्पल में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फिर स्टार्ट करती हूँ इसकी रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, होममेड रेसिपी है, कुछ नहीं करना आपको, एप्पल्स लेकर आने हैं मार्केट से। और एप्पल में क्या क्या होता है, एप्पल के न्यूट्रिशंस, एप्पल में वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, ई और बहुत ही अच्छा जिंक एंड आयरन होता है, जिसके अंदर भी खून की कमी हो रही है या आयरन की कमी हो रही है वो भी ये डाइट को अपने शामिल करें एप्पल का जैम, बहुत ही अच्छे उसके अंदर न्यूट्रिशंस आने लगेंगे। और एप्पल आपको प्रोटेक्ट करता है हार्ट से, ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है जैम, और वैसे भी डायबिटीज़ वालों के लिए एप्पल भी बहुत अच्छा होता है। ये अस्थमा वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये एप्पल अस्थमा के लिए भी फाइट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी ब्रेन को, आपकी हेल्थ को और इस इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो देखा आपने एप्पल में कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना हम इस रेसिपी को फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सारे एप्पल्स को अच्छे से कट कर लेना, उसके बाहर जो छिलका था उसको पील आउट कर लेना है और सीड्स को निकाल के अच्छे से वॉश कर लेना है इसको। देन उसके बाद एक कुकर ले लेना और ये सारे एप्पल्स उसमें डाल देने कट करे हुए। अब मैंने ये खांड ली है चीनी की, आप चाहें तो जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो आपके बच्चों को और आपको टेस्ट अच्छा लगे वही ऐड करना है, लेकिन शुगर ऐड नहीं करनी है। और आप देख सकते हैं कि एप्पल्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने वो भी लिटिल बिट ही ली है, 3 से 4 चम्मच ही ली है, क्योंकि मैं वेट लॉस प्रोसेस में रहती हूँ तो मैं ज़्यादा शुगर नहीं ऐड करती हूँ। अगर आप भी वेट लॉस में हैं तो बहुत ही कम लीजिएगा इसको, नहीं तो फिर वेट गेन होने के भी चांसेस है, क्योंकि शुगर जितना लेस देन हो उतना अच्छा। पर हाँ, थोड़ा सा मिठास भी चाहिए, क्योंकि एप्पल में अपना एक नेचुरल शुगर होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खट्टे भी होते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर 4 TSP खांड का यूज़ किया है। और शुगर वाले क्लाइंट्स इसके अंदर सिर्फ जैगरी पाउडर का यूज़ करेंगे। और ये मैंने आधी कटोरी पानी डाली है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसको 4 से 5 विसल्स दिलवानी है, साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा सा ऐड करेंगे ये 1 TSP बादाम और इलायची का पाउडर है जो मैं डाल रही हूँ, बच्चों को अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगी और अच्छी फ्रेगनेंस भी आ जाएगी, ये भी ऐड करेंगे। साथ ही साथ ऐड करेंगे 4 से 5 काली मिर्च के दाने, यानी कि ब्लैक पेपर, इनको कूट के इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से, ये डाल। साथ ही साथ हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर सॉल्ट, ये सेंधा सॉल्ट है और बिल्कुल लिटिल बिट है, 1/3 से भी कम है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे विसल के लिए। एप्पल की जैम को किसी बाउल में निकाल लेना है अच्छे से विसल आने के बाद, और इस तरह से ये पीसने वाला होता है, इसे अच्छे से इसको पीस लेना। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो आप हैंड ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये इजीली पीस रहा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक आध बार इस तरह से कर देना है। और आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं इजीली पीस चुका है और कितना अच्छा होममेड एप्पल जैम रेडी हो चुका है। अब आप इस एप्पल जैम को अपने ब्रेड पे लगाकर भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या कभी कभी स्वीट का खाने का टेस्ट करता है, मन करता है, तब भी आप इसे ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो एप्पल का एप्पल, उसके न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन, एंड होममेड का होममेड, एंड वेट लॉस का वेट लॉस, तो हुआ ना यम्मी एंड यम्मी। तो चलिए अब जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसी किसको अच्छी लगी ये रेसिपी। थैंक यू।